ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नया दिन और एक नया अपडेट, पर एक्चुअली अपडेट नहीं, एक्चुअली प्रिपरेशन बोलेंगे हम लोग इसको, क्योंकि अभी कोई तो एक रोड ट्रिप मैं प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं प्लान हो चुकी है, बहुत जल्दी रोड ट्रिप पर निकलने वाले हम लोग, तो उसी के लिए ऐसा प्रिपरेशन चालू है। धीरे धीरे बस आपको फ्लो बता के दे रहा हूँ कि अभी किधर तो रोड ट्रिप निकलने वाली है, और अच्छी खासी रोड ट्रिप है, जैसे कि 5-6 दिन की एक रोड ट्रिप होने वाली है हमारी। तो उसी के लिए सब, क्योंकि लॉन्ग राइड के हिसाब से अभी तक बाइक में कुछ नहीं मैंने अपडेट किया हूँ, तो अभी धीरे धीरे वही अपडेशन चालू है। मतलब निकल गए लॉन्ग राइड पर तो भाई कोई भी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब चीज़ एकदम आराम से होनी चाहिए, इसके लिए वही सब अपडेट चालू है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने जैसे थंबनेल देखा होगा कि आज मैं जा रहा हूँ मोबाइल स्टैंड लगाने के लिए, जो चार्जिंग वाला होता है, क्योंकि वो सबसे हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि किधर भी लॉन्ग राइड पर जा रहे तो डायरेक्शन सबसे ज़्यादा मेन है, और बार बार मोबाइल निकाल के मैप चेक करना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उससे अच्छा हम डायरेक्ट मोबाइल स्टैंड ही लगा लेते हैं, और चार्जिंग होगा तो हमारे फ़ोन में भी चार्जिंग होती रहेगी, गोप्रो में अगर कुछ करना है, जैसे गोप्रो की भी बैटरी जल्दी जल्दी डेड हो जाती है, तो उसके लिए भी वो काम आ जाएगा, क्योंकि USB से हम लोग चार्जिंग कर पाएंगे। तो वो मेरे को यूज़फुल चीज़ लगी, तो मैं बोला सबसे पहले उसी को अपडेट कराते हैं, फिर बाकी का अपडेट धीरे धीरे कराएंगे। तो एज़ ऑलवेज़ हम लोग जा रहे हैं मुरली के शॉप पे, वहाँ पे जाके स्टैंड लेते हैं, देखते हैं उसके पास कौन सा है, और फुल फिट वगैरह करा के आपको दिखा दो, क्योंकि इसमें थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है स्टैंड फिट कराने के लिए। तो देखते, हाँ चलो, मुरली भी आ गया है शॉप पे। भाई ऊपर ही लेना सही रहेगा, शायद ऊपर ही ले लेता। ये आ गए हम, चलो क्या बोलते मुरली भाई? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कुछ नहीं, एक तुम्हें हिंट दिया था ना लॉन्ग राइड पे जाना है, तो अपडेट थोड़ा बाइक में थोड़ा यूज़फुल चीज़ लगानी है अभी, सब एक 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 करने का। तो आज तो मोबाइल स्टैंड लगाने का, तो बताओ मोबाइल स्टैंड अपन फटाफट लगा देते आज। ब्रांडेड नहीं है रे अपने, बट दो CNC क्वालिटी के बहुत अच्छे क्वालिटी है, वो दोनों दिखा दो अगर चलेगा बताओ ना। जो यूज़ करते हो वो बताओ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस रहेगा तो पता चलेगा ये आगे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, कितना यूज़फुल है, तो वो चीज़ बताओ। ओके हाँ, ऐसे में ही चाहिए था, क्योंकि वो क्रॉस वाला नहीं टिकता, उस पर वो थोड़ा रिस्क लगता है। स्टार्टिंग में ना कस्टमर के कंप्लेंट्स आते थे, तो फिर उसके बाद अपन बंद ही करते हो वो क्रॉस वाले से ना, स्टॉक ही नहीं रखता वो, साइकिल लेके आने का बेचने का, फिर बाद में कस्टमर इतना पैसा डाल के फिर क्वेरी लेके आने का। अच्छा बंद कर दो, बोल ठीक है, सेम मटेरियल है दोनों, बस तेरे हाथ में जो है ना उसका क्वालिटी थोड़ा सा हैवी है। हाँ ये फील ही दे रहा है ना, प्रीमियम फील दे रहा है एकदम, थोड़ा प्रीमियम है, सेम CNC मटेरियल ही है, बाकी चार्जिंग एंड ऑल एवरीथिंग मेरे गाड़ी पे तो यही है जो मैं यूज़ करता हूँ। कौन सा ये वाला? हाँ इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि इसको जब भी तू यूज़ नहीं करता ना गाड़ी पर, अगर समझ की गाड़ी साइड पे लगा दिया और मोबाइल नहीं रखा, तो ये दोनों लॉक है ना पुल कर देना, मतलब थोड़ा ये टाइट होना चाहिए, वरना कैसा ये एक साइड का निकल के गिर जाता फिर। अच्छा हाँ, मतलब लूज़ नहीं करना है उसको। हाँ, थोड़ा सा भी लूज रहेगा ना तो फिर निकल के जाता, क्योंकि दिस टू आर सेपरेट पार्ट्स, और इसमें ये दो एडजस्टमेंट्स है ना, हाँ एक ही है, तो इसमें वो इशू नहीं है, तो इसका नट पूरा इधर तक रहता है और बीच पे भी है, तो फिर ये गिरने के चांसेस नहीं रहते, ये गिरने का चांसेस रहता है, बट मटेरियल वाइज तो ये और इसमें बहुत फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रीमियम है, ये थोड़ा इससे लाइट वेट है। हाँ। वो अच्छा है, अच्छा ये वाला, वो मटेरियल भी अच्छा है, मेरे को तो कुछ त्रास नहीं देता अभी तक, तो अभी भी वही है गाड़ी पर। हाँ दोनों में क्या प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है? ये प्राइसिंग में है, प्राइसिंग में कम से थोड़ा सा डिफरेंस है, मटेरियल सेम ही है बट प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस। ये कितने का है? ये कितने का? ये 1200 का है और ये 950 का। अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा लगाना सही रहेगा?
क्योंकि तुमको मालूम है मैं तो हाई स्पीड पे रहता हूँ। तो 950 एफर्ट कर रहा है तो 250 के बारे में नहीं सोचने का। वो तो है, मेरे को कैसा हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब फोन ये नहीं जाना चाहिए। वो तो जाएगा ही नहीं, दोनों में ही नहीं जाएगा, दोनों का ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब बहुत। तो देखेगा ना ये साइड में ना और एक है, ये CNC मटेरियल है, मतलब प्लास्टिक मटेरियल भी नहीं है कि जिससे फ़ोन को कुछ डैमेज नहीं। अभी तक इसमें ना ये CNC फ़ोन को टच नहीं होने के लिए ना दोनों बॉर्डर पे दिया है इस पर, मतलब ये दिख रहा है ये रबर है फोन को स्क्रैच ना है, और ये भी रबर है थोड़ा स्पॉन्ज टाइप। ओके, फोन के बैक साइड को कुछ स्क्रैचेस वगैरह ना है, इसमें भी सेम वैसे ही रहता है। और ये क्या सीन है इसमें, ये नया देख रहा हूँ मैं, ये लगेगा क्या RR में लग जाएगा? हाँ। अरे वो मिरर माउंटिंग है, यूनिवर्सल है, कोई भी गाड़ी पे लगा सकता है, स्कूटी से लेके हाई CC तक। और डायरेक्ट वो हैंडल बार का आता है वैसा है क्या, ये किधर उसको अटैच करना पड़ेगा? हैंडल बार का ऐसा आता है, हैंडल बार का माउंटिंग ये वाला। अच्छा, ये मिरर माउंटिंग है तो ये मतलब ये साइड में आएगा ना फोन में ऐसा? मैं मोस्टली यूनिवर्सल ही मान लेता हूँ, क्योंकि किसी को हैंडल बार चाहिए रहता है, किसी को वॉच चाहिए रहता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर अपन हैंडल बार भी मांगा लेते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट मिरर माउंटिंग अच्छा है, एकदम फ़ोन बीच में भी रहेगा ना तो ज़्यादा ध्यान जाता है, तो वो मीटर के इसमें ही दिखेगा फिर, वो तो मीटर नहीं दिख पाएगा ठीक से। तो तुम लोग को इसके बारे में पहले की फीचर बता देता हूँ क्या। ये देखो इधर लिखा है ऑल एल्युमिनियम अलॉय, रोटेटेबल है, फर्म क्लैंपिंग है, वाइड यूज़ है, और USB है, बस इतना है। और सबसे मेन बोलते ना एकदम रफ एंड टफ है ये। इसमें बॉक्स में क्या क्या आता है तुमको दिखा देता हूँ। बॉक्स में जो अपना स्टैंड आता है इटसेल्फ, ये उसका वायरिंग, ये एलन की उसको लूज टाइट फिट करने के लिए जो भी है, बस इतना आता है। और आप लोग को बता देता हूँ ये 1200 प्राइस जो बताया है, अगर आप मेरे रेफरेंस से आ रहे हो ना, मेरा नाम लेकर आ रहे हो ना, तो आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो एज ऑलवेज़ मैं तुमको शॉप का लिंक भी दे दूँगा और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मुरली का सब दे दूँगा, तो डू कॉन्टैक्ट विद हिम। और अभी चलो, अभी मुरली गया है फिटिंग वाले को बुलाने के लिए, बेचारा उसकी खुद की बाइक है ऐसे वो ट्रीट करता है। तो अभी वो फिट कराने के लिए जो आ रहा है उसका वेट कर रहा हूँ, तो जैसे आएगा आपको इंस्टॉलिंग भी दिखा दूँगा लगे हाथ क्या इंस्टॉल कैसे करना है। वैसे आप लोग को एक चीज़ दिखाना भूल गया, इसका चार्जिंग के लिए इधर है देखो, ये साइड में यहाँ पर चार्जिंग का है, ये उसका ऑन ऑफ का स्विच है, जब चाहिए तब ऑन रखना, तब चाहिए नहीं ऑफ करना। तो ये फीचर बता दिया। आ रहा है किधर है मज़र? चलो ऑल राइट, तो चलो ये हमारा स्टैंड फिटिंग का काम चालू हो गया। एलन की उधर नीचे देखो, वही तो प्रॉब्लम है ना, इसमें कुछ भी करने के बोले सोचना पड़ता है। ब्लैक कलर का टाइप नहीं है तेरे पास? अरे ये अगर अंदर से डाल देते तो, ये ऐसा इधर घुमा के इधर ले देते तो, वाइजर के पीछे कवर भी रहता ना वो, है ना, इधर अगर वो टाकी पे लग रहा है। है ना ये सॉर्टेड रहेगा ना, अभी नहीं लगेगा टाके पे वो। सर भाई इसको डायरेक्ट बैटरी में डाल रहे हो क्या, इसमें अपने की पे डाल रहे हो? बैटरी पे नहीं डाल रहा हूँ डायरेक्ट, वो अपना की ऑन होगा उस पे रख रहे हो ना। बराबर भाव अभी ऑन है, की ऑफ होएगा तो हाँ बंद। हेलो, हाँ चलेगा चलेगा। और एक सिस्टम बोला, अरे वो बटन का दिखाओ, बटन
छोटा वाला। अरे भाई ये निकाल के कर दो ना, पहले बटन बंद कर दो। एक लाइट है ना, बटन बंद करेगा तो लाइट जाएगी। हाँ तो और अभी चार्जिंग भी नहीं होएगा ना फिर। नहीं ना, तो लाइट नहीं है। हाँ बराबर। तो अभी ऑफ ही रहने दो। ये आपका अमानत और ये मुरली का। एकदम परफेक्ट पोजीशन पे लगा एकदम। तो आज का जो छोटा सा अपडेट था वो तो हो गया हमारा करके। अभी धीरे धीरे और भी अपडेट है क्योंकि पूरा प्रिपरेशन है, पूरा अच्छे से करना है। कोई चीज़ में आगे जाके फ्यूचर में हमें राइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो सब एकदम सॉर्टेड होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट। और मैं होप करता हूँ कि आज के वीडियो में कुछ नया आपको मालूम पड़ा, क्योंकि RR से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कुछ भी अपडेट करने के लिए ना RR में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि पूरा फेयरिंग बाइक है और इससे रिलेटेड ज़्यादा करके किसी को कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है कैसे क्या मैनेज करने का। इसके लिए आई होप आज का वीडियो आपके लिए कुछ नया बताया होगा आपको मैंने इसमें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने RR फैमिली के साथ, अपाचियन के साथ आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।